ये धर्म है और धर्म में ऐसा ही होता है। भरी सभा में जब महाराज, मंत्रीगण, योद्धाओं और ऋषि मुनियों के सामने एक औरत के कपड़े उतारे जा रहे थे तो इसका विरोध करे बिना बैठकर देखने वालों को तो मरना ही था, भीष्म को भी। लेकिन सिर्फ अश्वत्थामा ने इसका विरोध किया और सबसे विनती की, और इसी वजह से वो युद्ध के बाद भी जीवित रहा। शायद यही है धर्म। थोड़ा सब्र करो भाभी, बिल्कुल टेंशन मत लो। डॉक्टर्स आ रहे हैं, भैया भी आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। जीजू को फोन किया है, वो निकल गए। आ बेटा, यहाँ। मामा जी, मेरी माँ कहाँ गई? 10 मिनट में आ जाएंगी बेटा, फिक्र मत करो। हाँ, ठीक है। नमस्ते। कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? तुम चिंता ना करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। कांग्रेस जी, लड़की हुई है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत खुशी हुई। बेटा, तुम्हारी बहन हुई है, अंदर जाकर देखो। जाओ जाके देखो। कितना रो रही थी ना, तुम्हारे आते ही रोना बंद कर दिया। अपनी बहन का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। पिंकी प्रॉमिस। ये मछली वहां रख दे, ए, ये कटोरा वहां रख दे, चलो चलो, ये बक्सा भी वहां रख दे। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको उठा के मुझे दे दे। हाँ, यहाँ पे इधर दो, मुझे दो। हाँ लाओ। ए, साहब आ गए। नमस्ते साहब। ए, इसे पकड़। ये मछली बहुत जल्द आपके हाथों में होगी। काम होने के बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे। क्या हमें ये दो मछली एक साथ नहीं चाहिए, अकेली मछली चाहिए। सब्र रखो। एक चाय बोल। हाँ, एक चाय। मेरे लिए भी एक चाय बोल। सुनिए, जरा वो देंगी क्या?
गाड़ी लेकर आओ। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ प्लेट वहाँ रखकर जूस पी लो। हाँ, मैं रख देती। अच्छा फ्लाइट आ गई क्या? हाँ बेटा फ्लाइट आ रही है जा रही है, पर अपना बंदा दिखाई ही नहीं दे रहा है आंटी। आ गया, आप रखो हम 10 मिनट में आ जाएंगे। अरे कितना टाइम लगता है, सब वेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकल रहा है। चल चल कार में बैठ, जल्दी 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 स्टार्ट कर। कार में सिर्फ तुम ही कपड़े बदल सकते हो। दीदी तो क्या करूं, टाइम नहीं है। देखो मेरा बेटा आ ही गया ना। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। भांजे मामा जी कैसे हो? सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बेटा आ गए तो चलो मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। लोगों की नजर, इसकी नजर, उसकी नजर, सब उतर जाए। कितने दुबले हो गए? अरे अच्छा ही तो हूँ माँ। खाते नहीं हो क्या? अरे माँ मैं खाता था। क्या खाते थे? बोतल लाया ना। हाँ वो बैग में छोड़ दिया। क्या लेके आया था? हाँ लाया हूँ ना। मेरा गिफ्ट कहाँ लिया? अरे रुक जाओ। लाया हूँ। ये क्या, बहन के एंगेजमेंट में कोई इतना लेट आता है? अब देखा ना कैसी रूठ गई है वो। छोड़ो ना माँ, सुनिए आप लोग अपनी बातचीत बाद में कीजिएगा, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी आइए। यजमान विवाह के लिए श्रावण तृतीया के दिन मतलब ठीक आज के ही दिन 3 महीने के बाद बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। ठीक है तो यही तय रहा। ठीक है यजमान, मैं लग्न पत्रिका पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। श्री रस्तु शुभम अस्तु अविघ्नम अस्तु स्वस्ति श्री चंद्रमाने न श्री विकारी नामा संवत्सरे वर्षा ऋतु श्रावण शुद्ध दशमी के दिन सुबह ठीक 8 बजे श्रीमती बेलागा कुंडी वेंकटराव के ज्येष्ठ सुपुत्र चिरंजीवी बेला कुंडी रवि की वत्ल कुंडी जी की एकलौती पुत्री चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती से विवाह करवाने का बड़े बुजुर्गों ने तय किया है, जो सर्वसम्मति से स्वीकार्य है। एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। बेटी चलो। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कितनी सुंदर लग रही हो। नाटक मत कर। क्यों? एंगेजमेंट के 10 दिन पहले आने को कहा था। 10 मिनट पहले आते हैं क्या? प्लीज एक्चुअली जा। अरे बात तो सुनो, अब शादी होने तक यहीं रहूंगा। जा, मैं तो नहीं मानूंगी। प्रॉमिस, शादी होने तक मैं यहीं रहूंगा। ओके अब मुस्कुराओ ना। चल ठीक है। जो मैंने घड़ी मंगवाई थी वो लाए क्या? लास्ट टाइम जब मैं घड़ी लेकर आया था वो कहाँ गई? वो घड़ी खो गई। खो गई क्या? जिसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं उसे देकर क्या करेंगे? सॉरी यार। ठीक है रो मत, पता था तुम ऐसे ही रहोगी। तुम्हारे लिए सेम घड़ी लेकर आया हूँ, ये लो। थैंक यू भैया। हाँ बस 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 ओके।
क्या हुआ? क्यों? अब तक सिगरेट नहीं छोड़ी क्या? अरे मैंने कब की छोड़ दी सिगरेट? हाँ पापा, नहीं नहीं पापा, मेरी बात सुनो ना, बोलो ना। ए संभल के, जल जाएगा। वैसे एक इंग्लिश पोएट ने कहा था, द रिलेशनशिप विद द सिगरेट इज फार बेटर देन द रिलेशनशिप विद द पीपल अराउंड यू। उसने ऐसा क्यों कहा था मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। तो इतना ज्यादा सोच के तेरा ब्रेन स्ट्रेन मत कर। उसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग आते हैं, पर लास्ट में हमारे साथ रहने की विनती करने पर भी वो छोड़कर चले जाते हैं, और बताए बिना आने वाले और तुम चली जाओ कहने पर भी लास्ट तक रहने वाली एक सिगरेट ही होती है। इतना लंबा मतलब है, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा। लिखने वाला समझदार है, इतना ही काफी नहीं है क्या? पढ़ने वाला बेवकूफ हो तो चलेगा। अरे अरे कौन? अंदर कोई भी नहीं है। अभी कौन हो सकता है? अंकल जी हुए तो? तो फिर तू जाके खोल। तू खोल, हम दोनों मिलकर खोलें क्या? बाथरूम किसका है? तू ही खोल। हैप्पी, तू कहाँ जा रही है? इधर है ना। तू बता देना अगरबत्ती चला रहे थे। अरे बाथरूम में कोई अगरबत्ती क्यों चलाएगा? डर के मारे पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे इस टाइम पर तुम यहाँ कैसे? अरे किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे रुक जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। है ना, तुम जितने दिन नहीं थे ना, मुझे भी ऐसे लग रहा था। कॉलेज में तो कितनी सारी बातें बनाते थे। नेहा, मैं तुम्हारे बिना एक साल भी नहीं रह पाऊंगा। पाँच साल हो गए, तुम एक बार भी मुझसे मिलने के लिए इंडिया नहीं आए, है ना? ऊपर से मुझे एयरपोर्ट पे आने के लिए भी मना कर दिया। तुम एयरपोर्ट आओगी तो यही होगा, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने मना किया। और तुमने ही नहीं, यूएस में रहने के हर रोज मैंने बहुत 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 मिस किया, समझ गई? तुम्हें एक चीज बताऊं क्या? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक मैजिक होता है, दूर होने पर हर दुख पास आने के कुछ ही पलों में चला जाता है। चला गया? अच्छा वैसे दीवार कूदने की आदत गई नहीं तुम्हारी? हैप्पी, अरे आकर सो जाओ। अरे क्या हल्ला मचा रहा है ये? आ रहा हूं, रुक। हैप्पी, अरे क्यों भौंक रहा है? ए, क्या हुआ? चल चल, सब सो गए हैं यार, चल। अरे क्या मस्ती कर रहा है? प्रिया क्या हुआ? प्रिया मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं भैया। तो इसके लिए फांसी लगा लोगी? इस बारे में शादी के 3 महीने बाद बताती तो पूरे घर में त्योहार होता ना। दो मुझे एक बार फोन दो अपना, रवि के साथ बात करता हूँ। रवि नहीं है भैया। मैं कुछ समझा नहीं। रवि का नहीं है भैया। तो फिर कौन प्रिया? बोलो प्रिया, माँ पापा से, तुम्हारे सास ससुर से, चाहो तो जीजू के पैरों पर गिरकर मैं मना लूंगा,
वो कौन है बोलो प्रिया। मुझे नहीं पता भैया। कोई बात नहीं है प्रिया, मुझे बताओ, मैं देख लूंगा, मैंने कहा ना। मुझे सच में नहीं पता भैया। तुम किसी पार्टी में गई थी, वहां कुछ हुआ था क्या? कुछ भी हो प्रिया, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ना कि मैं देख लूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे सच में नहीं पता भैया। मैं तब से पूछ रहा हूं ना, बार बार एक ही बात कह रही हो, कुछ भी हो देख लूंगा, मैं कह रहा हूं ना। एक लड़की उसकी जानकारी के बिना कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? तुम बोलो, मुझे कुछ नहीं पता। एक लड़की उसके जानकारी के बिना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, पता है? बताओ प्रिया। प्रॉमिस भैया, मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ ये। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? पेशेंट का नाम और आपका रिश्ता लिखिए। ब्रदर लिख रहे हैं, देखो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, सबको वही लिखते देखा है। सुनो, एक्सक्यूज मी, ब्रदर नहीं, हस्बैंड लिखिए, शी इज माय वाइफ। सॉरी सर। शट अप। जो हुआ गलत है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो, इसे क्या हो गया है? हम लोग है ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं रोते। हर लड़की ससुराल जाने से पहले रोती है, तुम लोग सब क्यों रो रहे हो? पापा, माँ, अरे क्यों रुला रहे हो इसे, रुक जाओ ना। मामा जी आप चलिए। आ गए क्या? आप भी चलिए, आइए आइए ना। अब माँ आप भी आइए। मामा जी चलिए, सभी को ले जाइए। चलिए सब लोग आइए ना। मामा जी आप चलिए जल्दी। अरे मैं देख लूंगा, मैंने कहा ना आप भी। माँ असल में तुम्हारे कारण रोना शुरू हो गया। पापा जरा बताओ, मैं रेडी करके ले आता हूं ना। अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? उस सदमे से बाहर आ जाओ, गुजरा हुआ कल भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में सोचो। तुम जिस घर में जा रही हो, प्यार से ध्यान रखने वाला पति है, कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाला इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है, अगर वो साथ नहीं देता तो बात समझ में आती है। तुम्हारे रोने के कारण अगर हम चिंतित हो जाएं तो ठीक है, देखो
तुम रो रही हो तो वो कितना चिंतित हो रहे हैं। मरने के लिए एक बड़ा कारण है तो काफी है प्रिया, पर जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है, और तुम्हारे पास तो दो दो परिवार हैं। बात को समझो प्रिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अरे देखिए रोइए मत, चुप हो जाइए। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अरे देखिए लड़की आ गई। मेरे बहन की शादी है माँ, ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा। देखो बहना कितनी सुंदर लग रही है। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, अंदाज था जुदा। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, अंदाज था जुदा। सबकी प्यारी थी दुलारी, उसके जैसा न कोई। रुकने वाली शादी को विदाई तक पहुंचा दिया। तुमने जैसा कहा वैसे सब भूलकर हैप्पी रहने की कोशिश करूंगी, पर मेरे साथ जो हुआ उसका तुम खुश रहोगी ना। जाओ प्रिया। भैया स्टंप कहाँ लेके जा रहे हो, हम खेल रहे हैं।
इसे पहचानता है? नहीं पता भाई। हाँ याद आ गया, प्रिया। इस लड़के का नाम प्रिया है ना भैया? मैं इसे जानता हूँ, मुझे अच्छी लगती थी, पर उसके अलावा और कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसको अभी मिला भी नहीं, बात भी नहीं की। मुझे छोड़ दो प्लीज, सच में। उसके अलावा हमारे कॉलेज का एक सीनियर था जो उसके पीछे पड़ा था, बोलता था वो उससे प्यार करता है। ए, कौन है तू? क्यों मार रहा है? पहचाना? ये लड़की पहचाना क्या इसे? कॉलेज में इस लड़की के पीछे मैं पड़ा था, ये सही है, लेकिन कितना भी ट्राई करने के बावजूद नहीं पटी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। और एक लड़का फेसबुक पर उसे बहुत डिस्टर्ब करता था भैया, गंदे गंदे मैसेजेस भेजता था उसे, ब्लॉक करने पर भी दोबारा दूसरे अकाउंट से उसे मैसेज भेजता था। ये लड़की कौन है जानता है? इस लड़की को पहचानता है? इस लड़की का नाम प्रिया है, अब तो बता दिया मैंने। इस लड़की को मैंने मैसेज करना कब का बंद कर दिया? सच बोल। सच तो कह रहा हूँ। सच सच बता। इतना ही पता है, मुझ पे भरोसा करो सर। एक मिनट रुको, ये देखो मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने उसे मैसेज करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात पे यकीन करो। Oh!
अरे बेटा ये क्या, इतना खून कैसे, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। इतना खून बह रहा है और क्या, कुछ नहीं हुआ? चलो हॉस्पिटल चलो। माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कह रहा हूँ ना। चुपचाप मेरे साथ चलो। 3 दिन की दवाई लिखकर दे रहा हूँ, ले लेना, ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ माँ। संभल कर। हेलो। हेलो। हाँ बोलो नेहा। सुनो ना, मेरी फ्रेंड श्रुति का बर्थडे है, सब लोग कह रहे हैं कि हम दोनों को आना चाहिए। मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। हे ऐसा क्यों? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कह रहा हूँ ना नेहा। अभी तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ पर छोटी सी चोट लगी तो माँ टेंशन में। हॉस्पिटल पापा मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना मैं किसी के साथ घूमी, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्या करूँ अब रास्ता समझ नहीं आ रहा, मेरे पास एक ही रास्ता है। बेटा माँ तुम आओ। इस लड़की को हमने अभी देखा। कुछ नहीं हुआ, गणेश पुलिस को फोन कर। तुम चलो आओ। माँ चुप रहो, माँ कुछ नहीं होगा, आओ चलो। टैक्सी आओ माँ। आप बैठो ना, बैठो, संभाल के। भैया पानी की बोतल है सर, देना। वो लड़की कैसे हुआ? पानी पियो, पहले पियो माँ, पानी पियो आराम से। मम्मी पापा को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, किसी भी तरह मेरा एबॉर्शन करवा दो, ऐसे डॉक्टर से उसे कहते मैंने सुना था। तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए तभी मैं एबॉर्शन कर पाऊंगी, ऐसे डॉक्टर कह रही थी। बच्चिया अगर ऐसे जान देने लगी तो हम जैसे माता पिता कैसे जिएंगे बेटा, क्या होगा उनका जो अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या कहूँ, बेटियों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा, रुक जाओ माँ, हमारी प्रिया सोना है, ऐसी परिस्थिति कभी आनी नहीं दिखी। राइटर जी हैं क्या? हाँ वो रहे। नमस्ते सर। सर मैं हूँ गंगा। बैठो बेटा, पिताजी ने फोन किया था, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अभी पेपर आएगा, तुम उस पर साइन कर देना, बाकी हम देख लेंगे। ओके सर। अरे चाय बोल रहे, जबरदस्त है बेटा, बहुत हंसी आ रही है। सर कल रात से मेरी बेटी लौट कर नहीं आई है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। 402 क्या है, देख इसका। कोर्ट में इसे सबमिट करने के लिए जा रहा हूँ सर। 602 इनका देख लेना जरा। सर मेरी बेटी का मिसिंग केस है। इस टाइप के मिसिंग केसेस राइटर साहब देखते हैं। राइटर साहब। सर कल शाम से मेरी बेटी लापता है। सर कल शाम से मेरी बेटी घर नहीं आई है। अरे वाह। सर हमारी बेटी नहीं मिल रही है और आप मोबाइल में बिजी हैं। तुम जरा रुको, ये लीजिए। आपकी बेटी का नाम, आपकी बेटी का फोन नंबर, आपकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनके एड्रेस, इसमें सब लिख दीजिए। इंक्वायरी करेंगे, आपकी बेटी अगर मिल गई तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ। थोड़ा जल्दी ढूंढ। आपको ठीक से सुनाई नहीं देता क्या मैडम? कहा ना आपकी लड़की मिल गई तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, बस। वो बात नहीं है सर, बता दिया, वो लड़की है। चलो चलते हैं। सर चाय। घास खाने वाला जानवर कम से कम दूध तो देता है सर, रिश्वत लेकर उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी ऐसा कम से कम भरोसा तो दे सकते थे ना आप, यही आपके घर हुआ होता तो। क्यों बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, पुलिस वाले के सामने बैठकर फिल्मी डायलॉग मारने का मन कर रहा है? हर इंसान से मैं पैसे ले रहा हूँ बोल रहे हो, लेकिन देने वाले के लिए तो कुछ नहीं बोला तुमने। आजकल मिसिंग कंप्लेंट का मतलब है रोड पर जो पैम्पलेट बांटते हैं ना, उससे भी ज्यादा चीप है। आजकल जिसको देखो मिसिंग कंप्लेंट लेकर आता है, चीप लोग।
ये देखो मिसिंग कंप्लेंट्स, ऐसे रोज 10 कंप्लेंट्स आते हैं। ये पूरी फाइल देख लो, कोई आता है मेरी कुतिया गुम गई, कोई आता है मेरी बेटी गुम गई, कोई आता है मेरा बेटा गुम गया, ऐसी कंप्लेन लिखवाते हैं। और हम लोग खाके पहने हुए कौवे की तरह काव काव करते हुए पूरी सिंसियरिटी के साथ गलियों में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते जब थक जाते हैं तो सबको इन्फॉर्म करते रहते हैं। फाइनली अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो बड़ी शर्मिंदगी और दुविधा में फोन करते हैं, सॉरी जी आपकी बेटी नहीं मिली इससे पहले। अरे अरे कांस्टेबल जी, आप हमारी बेटी की तलाश कर रहे थे क्या? आपको कंप्लेन लिखवाई उसी दिन रात को मेरी बेटी वापस घर पर आ गई, आपको इन्फॉर्म करना हम लोग भूल गए, सॉरी सर। और फिर फोन पर जोर जोर से हंसते हुए फोन कट कर देते हैं। बेटी वापस आई तो हमें नहीं बताना चाहिए? कंप्लेन लिखवाना जरूरी समझते हैं, बताना जरूरी नहीं समझते? बुद्धि हमें नहीं जनता को नहीं है, हर इंसान हमें गलत ठहराता है। ए, एक और चाय लेकर आ, ठंडी हो गई। सर साइन चाहिए। हाँ। रिक्शा हनुमान टेम्पल जाना है। हेलो, मैं डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। आपकी बेटी मिसिंग है ऐसे कंप्लेंट दी थी ना, क्या हुआ? सर उसी दिन मेरी लड़की वापस आ गई थी और जिस कंप्लेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे। ऑटो प्लीज रुको। ऑटो भैया रुको, रुक जाओ भैया, रुको ना प्लीज। सर सर बेटा मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, वहां तक छोड़ दोगे क्या? बैठिए बैठो। थैंक्स बेटा। ओमनी हॉस्पिटल। छोटा प्रॉब्लम है, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं इसे। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बॉडी में शुगर लेवल जब कम हो जाता है या फिर सोडियम लेवल अचानक कम हो जाता है तब ऐसा होता है। लड़की को अच्छे से हेल्दी खाना खिलाइए। थैंक्स डॉक्टर। थैंक यू। चलो चलते हैं। कभी मेरी बात नहीं मानती, हमेशा डाइटिंग करती हो, खाना नहीं खाती हो। हेलो, अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था ना सर? हाँ बोलिए। हमारी बात नहीं हो पाई और आपने फोन कट कर दिया था। आपकी बेटी से मैं बात कर सकता हूँ? ठीक है मैं देता हूँ। हेलो सर, उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअली उस दिन मैं आनंद नगर के बस स्टॉप पर वेट कर रही थी तो बहुत वीकनेस महसूस हुई सर। ऐसे मैंने आंखें बंद कर लिया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उठ के देखा तो बीच रोड के पास एक हॉस्पिटल में थी। कौन सा हॉस्पिटल? प्रेरणा हॉस्पिटल। सर नमस्ते। सर आप? मैं कीर्ति के बारे में बात करने के लिए। बैठो। सर आपकी बेटी कीर्ति। पानी पीना चाहोगे? एक ग्लास पानी लाओ। आपकी बेटी के बारे में बात करने के लिए। पहले पानी पी लो। कीर्ति की मौत से पहले तुम चले जाओ बेटा। वो बात नहीं है सर, मेरी बात क्या? क्या बात नहीं है बेटा? मेरी बेटी किसी के साथ घूमती थी और वो पेट से भी थी, फिर उसने हमें धोखा दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? तुमसे पहले यहां पुलिस आकर गई, उन्होंने भी यही कहा। रोज सुबह मेरी नींद खुलते ही सब यही सवाल पूछते हैं। रोड पे चलने वाला हर इंसान मुझसे यही सवाल पूछता है। सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं, मैं दुखी हो चुका हूँ। आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में, जब तक हर इंसान तरह तरह की बातें नहीं बना लेगा तो नींद नहीं आएगी क्या?
क्या है सर? ये मेरी बेटी की रिपोर्ट है। जब 3 महीने पहले वो चक्कर खाकर गिर गई थी, तब किसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसी से संबंधित रिपोर्ट है ये। माँ, मैं जब यूएस में था तब प्रिया हॉस्पिटल में है, ऐसा आपने कहा था। क्या हुआ था? बस बस बस। देखो, खाना ठीक से न खाने की वजह से चक्कर आकर गिर पड़ी वो। तुम ठीक से खाओ। जी कहिए। हाय, 3 महीने पहले कोई साधना नाम की लड़की यहाँ पर एडमिट हुई थी। एक मिनट, एडमिट हुई थी? किसने एडमिट किया था? इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। इमरजेंसी मतलब यूजुअली एम्बुलेंस लेकर आते हैं। एम्बुलेंस के डिटेल्स दे सकते हो क्या? आप पुलिस है क्या? जी नहीं, सॉरी जी, डिपार्टमेंट के अलावा हम बाहर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। एक हफ्ते पहले लक्ष्मी नाम की किसी लड़की को यहाँ एडमिट किया था, एम्बुलेंस से लेकर आए थे। एम्बुलेंस डिटेल्स आप कुछ दे सकती हैं? सॉरी सर, हम डिटेल्स नहीं बता सकते। पांच महीने पहले मोनिका नाम की लड़की यहाँ एडमिट हुई थी। One minute, 5 months ago? Yeah. Emergency लेकर आए थे। Ambulance में क्या? Yes sir. Yeah. Yes sir. Yeah. Yes sir. बात सुन, कल का दिन मुझे सही नहीं लग रहा है। कल ही का दिन सही है। कल सब के सब विसर्जन की जल्दी में रहेंगे। कल एक मछली को पकड़ना ही होगा हमें। बोलो नेहा। मैं बाद में कॉल करूँ क्या? अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों मुझे इतनी बार फोन करती हो? नहीं वैसा नहीं है, मेरी फ्रेंड श्रुति है ना, वो चक्कर आकर गिर गई, उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उसी के बारे में बात कर रही थी। बाद में कॉल करूँ क्या? कौन सा हॉस्पिटल? क्या हुआ? प्लीज सर, रास्ता खाली कर दीजिए। प्लीज प्लीज उस तरफ। श्रुति कहाँ है? प्लीज क्लियर, रास्ता क्लियर कर दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। यहाँ एक व्हाइट ड्रेस पहने हुई लड़की आई थी, आपने देखा क्या? अच्छा, व्हाइट ड्रेस वाली लड़की? हाँ, हाँ। वो अभी थोड़ी देर पहले चक्कर खाकर गिर गई। हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया है। कहाँ है? वो देखिए, लड़की को लेकर जा रहे हैं। श्रुति, श्रुति, टेंशन में हूँ मैं कि अब तक उसे लेकर क्यों नहीं आए। यही हॉस्पिटल है क्या? बिल्कुल, एम्बुलेंस पे मैंने नाम देखा। अपनी आँखों से देखा था? बिल्कुल देखा था। हेलो, टेक्निकल डिपार्टमेंट कहाँ है? टेक्निकल डिपार्टमेंट कहाँ है? उस तरफ सर। साई, सर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दे दो। ठीक है सर। ठीक है ना सर? थैंक यू सर। आपके पास एम्बुलेंस कितनी है? 9 है सर। सबके ट्रैकर्स है ना? है सर। ओपन कीजिए। एक यहीं पे, बाकी सब रनिंग में है सर। मॉल के दूसरे तरफ समंदर है, शहर में हर जगह विसर्जन की भीड़ है। मेरे मुताबिक उनके 5 किलोमीटर से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। मॉल से सब डायरेक्शन में 5 किलोमीटर का सर्कल बनाओ। क्या सर? मॉल से सब डायरेक्शन में 1 5 किलोमीटर का सर्कल बनाओ। ओके सर। सर 5 रनिंग में है। नेहा, डायरेक्शन बताओ। ओके। okay.
सुनो, वो लोग दसपन्ना से लेके जगदम्बा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ओके, हाँ यहीं पे हूँ। अबे एम्बुलेंस को क्यों रुका रहा है? कौन है तू? अरे कौन है भाई? नेहा, श्रुति इसमें नहीं है। अच्छा, अभी अभी एक एम्बुलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है। ओके ओके, जा रहा हूँ। सुनो सुनो, संपत विनायक टेम्पल से लेफ्ट ले लो और फ्लाईओवर पे जाओ। फ्लाईओवर, ओके। वो तुम्हारे सामने ही है। हाँ। बस 100 मीटर की दूरी पर है। क्या कहा? 100 मीटर की दूरी पर? हाँ। खोलो, रुक जाओ। यहाँ इसमें भी नहीं है। क्या? मैडम, रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा, रेलवे स्टेशन की तरफ एक और एम्बुलेंस जा रही है। नेहा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट ले लो। ओके। वो तुम्हारे बहुत पास है। अच्छा? ए, कौन है रे तू? नेहा, इसमें भी नहीं है। अलीपुरम जंक्शन पोस्ट के पास एक एम्बुलेंस बहुत देर से रुकी हुई है। आई थिंक दैट इज द वन वी आर लुकिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हेलो नेहा। हाँ। वो एम्बुलेंस अगर वहाँ से हिले तो मुझे खबर करना। हाँ, ओके ओके। नेहा, इसमें कोई भी नहीं है। ओ भाई, कौन है तू? मॉल से जिस लड़की को बुलाया वो कहाँ है? कौन सी लड़की? मेरा गाड़ी खराब हो गया, मैं कब से इधर ही हूँ। लिसन लिसन। हाँ बोलो। रोजल की तरफ एक एम्बुलेंस जा रही है। ओके, जा रहा हूँ। राइट ले लो। राइट पे। वहाँ से स्ट्रेट जाओ। यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट ले लो। लेफ्ट क्या? वहाँ से स्ट्रेट जाओ। अरे, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड? नेहा, यहाँ पर डेड एंड है। कुछ तो सोचो, अपने पास टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, एम्बुलेंस सिग्नल के पास रुकी है। प्लीज मेक इट फास्ट, गो। ठीक है, जा रहा हूँ। आगे कैसे जा रहा हूँ? हाँ, तुम आगे चले गए हो। तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, एम्बुलेंस तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। Let's go.
है, हथियार निकालो। ए, इसको भी काटेंगे आज। हाँ, छोड़ेगा नहीं। लड़की को जानता है? बोल, बता। इस लड़की को उठाने वाला मैं हूँ सर। पैसे देने के बाद छोड़ने को कहा, छोड़ दिया मैंने। छोड़ने को कहा क्या? समंदर माँ की कसम खा दो सर, और मुझे कुछ नहीं पता। किसने छोड़ने को कहा? किसने? बोल किसने? किसने बोल? नेहा, मैं अभी आता हूँ। लगता है कोई बड़ी मछली है, हथियार निकालो, इसको भी काटेंगे आज। इस लड़की को उठाने वाला मैं हूँ सर। पैसे देने के बाद छोड़ने को कहा, छोड़ दिया मैंने। समंदर माँ की कसम खा दो सर। डॉक्टर साहब, एक पोस्टमार्टम केस आया है, इमरजेंसी है, देख लीजिए ना। After 6 PM पोस्टमार्टम मैं नहीं करता, पता है ना? I'm sorry. सर, प्लीज सर, थोड़ा अर्जेंसी है, प्लीज सर। जज की बेटी है सर। ओके, रेडी करो। बॉडीज गेट heavier after death. Bodies get heavier after death. Thank you.
थोड़ा और होती तो अच्छा होता। लाश के साथ इंसान की इच्छा पूरी होनी जरूरी है, वो जिंदा हो या लाश हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हवस पूरी होनी चाहिए। कुमार आ गया चलो। डेनियल पवार भैया। अरे गधे के बच्चे, आया हूँ कहे बिना जा क्यों रहा है? तुम बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा ना। इतना बड़ा इंसान जब जा रहा है तो बोलने की क्या जरूरत है चाचा, लिख लो। जोसेफ हाँ हूँ। माधव हाँ जा रहा हूँ। चाचा जी ये सब क्या है, सब आने की बात करके जा रहे हैं? समुंदर हमारी माँ के समान है, रोज सुबह सुबह उस माँ पे विश्वास करके समुंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। किसी दिन समुंदर माँ अपने पसंदीदा इंसान को अपने गर्भ में छिपा लेती है, जिनकी जरूरत नहीं उन्हें समुंदर से बाहर फेंकती है। हम मछलियों को पकड़ सकते हैं पर समुंदर की आंधियों को पकड़ नहीं सकते ना बेटा, इसलिए रोज कितने लोग आते जाते हैं गिनती करते रहते हैं। वैसे तुम कौन हो बेटा? मैं इलेक्शन सर्विस से आया हूँ चाचा। आपके यहाँ कितने लोग हैं पूरे? यहाँ कुल मिलाकर 390 लोग रहते हैं, उनमें से 207 लोग तो मछुआरे ही हैं। तो फिर सभी लोग समंदर से आ गए हैं क्या? ये लो दादा, जो मछली आपने मांगी थी जाकर माजी को दे देना। अरे रामू हाँ? वो दाविद, रवि, चंदू, आर्या दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हें समुंदर में दिखाई दिए थे क्या? क्या पता दादा, मैं समुंदर के उस तरफ गया था, वो दूसरी तरफ गए होंगे, मुझे कुछ हाँ, नहीं पता। ठीक है, पूरा 12 लोग आना चाहिए, ये लफंगे कब आएंगे? तुम एक काम करो बेटा, कल सुबह सुबह ही आ जाना और अपना काम कर लेना। चलता हूँ बेटा। बोलिए दादाजी। वो लड़की? नहीं रहने दो, आज का हो गया। बात वो नहीं है, हमारे लोगों को किसी ने एम्बुलेंस रोक कर मारा। ठीक है घर आ, उन लोगों को भी लेके आ। कौन हो बेटा तुम? सर शिवशक्ति ट्रेवल्स। पीछे वाली बिल्डिंग है। ओके सर, थैंक यू। चलो यही है वो। नमस्ते मालिक। आप ही हमारे भगवान है सर, आपके कारण हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम सभी मिलकर घर आए हैं, आओ मिलकर खाना खाते हैं। अरे आपके साथ? नहीं सर। इतने दिन मेरे लिए मेहनत किया, मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हैं क्या? प्लीज बैठो बैठो बैठो। बैठो प्लीज, तुम भी प्लीज बी कंफर्टेबल। दादाजी हाँ हाँ देता हूं। ये तुम लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, खाओ। कम ऑन। खाओ, शर्माओ मत, खाओ। असल में क्या हुआ? मालूम नहीं सर, उसको तो पूरी पहचानता भी नहीं है, जोर से आके टक्कर मारा। हाँ सर। मैं समझ गया, इनके साथ अच्छा रिश्ता बना के उन्हें मरवाना है क्या? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। हाँ हाँ मार डालेंगे। खाओ। उसे मुझ तक पहुंचने का जरिया यही लोग है, इसलिए इन सबको खाने के बाद मार डालने का सोच रहा हूँ।
खा लो खाने के बाद। ओ कम ऑन प्लीज खाओ। अरे ये चिकन क्यों नहीं लिया, खाओ। खाओ, शर्माओ मत। देखा, मौत मेरे हाथों से अच्छा तू अपने हाथों से ही अपने आप को मार दे। ये कितना बड़ा दरिंदा है भगवान, सारे कौरवों की क्रूरता से भी बढ़कर इसकी अकेले की क्रूरता है। हे भगवान, अरे वो मेरे मामा का बोट है, उस पर मत बैठ। अच्छा, अरे अच्छा, उतर नीचे, उतर रहा हूँ ना। पीछे जा। अरे उतर रहा हूँ ना। शुरू कर। इस लड़की को उठाने वाला मैं हूँ सर। अरे तू क्या कर रहा है? ए छोटे, ये बोट किसकी है? ये मेरे मामा की बोट है। उनका घर पता है क्या? ए तू हट, चल इनको दिखा के आते। और कितना दूर यहीं पे है भैया? मामी, आपसे कोई मिलने आया है। मैं इलेक्शन सर्वे की तरफ से आया हूँ, एक बार आप अपने पति को बुलाएंगी? वो घर पे नहीं है, दो दिन पहले मछली पकड़ने गए थे, मेरे ख्याल से एक दो दिन में आ जाएंगे। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अंदर आइए साहब, आइए। ये लीजिए साहब। राजा माँ। हाँ फूल ले लो। रुक आती हूँ मैं। आप बैठिए साहब, मैं आती हूँ। मैं बाहर हूँ, बताओ ना। आज रक्षाबंधन है ना, बहन घर पर आई है, राह देख रही है तुम्हारी।
बीती रातें जिए हंसी लम्हे तेरे संग की जो बातें बुने हंसी सपने दिल सासुमा, ये कितना क्यूट लग रहा है ना इस फोटो में। प्रिया जब पैदा हुई थी तब लिया था ये फोटो। प्रिया को उसके पिता से पहले और कोई नहीं देखे, इसके लिए दरवाजा बंद करके पिता के आने तक वहीं पर खड़ा था वो। हे। अब आने से पहले डोर नॉक करके आ सकती थी। हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज है, ये मुझे पता ही नहीं था। सॉरी, बैठो। मैंने जो गिफ्ट दिया वो पसंद आया? देखा नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया है। झूठ उनसे बोलो जो तुम्हें जानते नहीं है, उनसे नहीं जो तुम्हें जानते हैं। हाँ, वो मैं बिजी था इसलिए देखा नहीं। नहीं देखा तो नहीं बोलना चाहिए था। देखा ऐसा झूठ क्यों बोला? नेहा, वही तो कह रहा हूँ, कुछ काम था इसलिए नहीं देखा। लेट मी सी, अभी देख लेता हूँ। लाओ। अरे कह रहा हूँ ना, लाओ ना, देखता हूँ। बहुत अच्छा है। क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो तुम? मैं कहाँ वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ नेहा, नॉर्मली तो हूँ। नॉर्मल नहीं हो तो, नॉर्मल होते तो कहते नेहा ये हो गया है, नेहा वो हो गया है, हर बात तुम फोन करके बताते हो। अभी फोन करती हूँ तो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ऐसा कह के गुस्से में फोन रखते हो। बहन की शादी के बाद अपनी ही शादी होगी ऐसा कह के कितना खुश हुए थे, अब वो खुशी किधर है? बताओ मुझे, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? अगर बीच में ही मुझे छोड़ना चाहते थे तो शादी तक बात क्यों लेकर आए तुम? मेरे घर वालों को क्यों मनाया तुमने? आखिर कुछ तो बोलो तुम, मेरी हालत तुम्हें समझ में आ रही है? तुम्हारी भी तो बहन है ना, अगर उसके साथ किसी ने ऐसा ही किया होता तो तुम। क्या बताऊं मैं तुम्हें, शादी से 2 दिन पहले मेरी बहन मरने जा रही थी, ये बताऊं तुम्हें? शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हुई, वो कौन है ये पता नहीं, ये बताऊं मैं तुम्हें? कुछ बातें प्यार करने वाली लड़की से ही नहीं, खुद की मां के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। मेरे हाथों से मैंने प्रिया का अबॉर्शन करवाया, मौत से भी बड़ी सजा है वो। अरे उस पर जो गुस्सा है वो मैं किसे बताऊं? उसके खुश रहने के लिए मुझे चुप रहना पड़ा और तुम मुझसे पूछ रही हो, बताओ मैं किसे बताऊं, किसे बताऊं? खुशियों में हर पल डूबी रहे, छू ना सके तुझे कोई गम। खुशियों में हर पल डूबी रहे, छू ना सके तुझे कोई गम। मेरी कमी ना महसूस हो तुझको मेरी बहन। दीदी 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 सुनो ना, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। पर आपने जो डियो लगाया ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके लिए मेरे पास अच्छा डियो है, ये लीजिए।
अच्छा है 200 की है दीदी, पर मेरे पास तो 500 का नोट है। मेरे पास छोटे नहीं है दीदी। तुम रख लो। थैंक्स दीदी। रघुपति राजू प्रभावती की बेटी सौम्या का अपहरण हो चुका है। पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे झगड़े के कारण हुआ होगा। सुनो, एक बार न्यूज़ देख लो। शहर के कमिश्नर राजनाथ ठाकुर खुद इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। शे क्या जिंदगी है, करोड़ों रुपए का खर्चा करके बंगला बनाते हैं और एक कप कॉफी भी नहीं पिलाते। ऐसे बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे भागेंगे नहीं, तो और क्या करेंगे। भाई एक चाय देना। देता हूँ। क्यों भैया इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बताओ भाई, लड़की को गुम हुए 6 घंटे हुए, इतनी देर के बाद कंप्लेंट कर रहे हैं। 6 घंटे में तो लोग बाहर देश चले जाते हैं, इतनी तो समझ होनी चाहिए। वैसे तो हमारे ऑफिसर को सुननी चाहिए, हमेशा पैसों वालों की नहीं सुननी चाहिए। हमारी तो सुनते नहीं, एकदम उछल जाते हैं। यही है हमारी जिंदगी, चाय पीने तक का टाइम नहीं है। छी, ये कोई काम है? इससे तो अच्छा घर जमाई बन जाता। हेलो नेहा। मैं सौम्या की फ्रेंड हूँ अंकल। आंटी कहाँ है? ऊपर जाओ, वही होंगे। ओके अंकल। बेटा एक मिनट। आंटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, ट्राई टू फीड हर समथिंग। ओके। वो लड़की कौन सा फोन इस्तेमाल करती है? मुझे कैसे पता होगा? बेड के बगल के सॉकेट में किसी ना किसी कंपनी का चार्जर होगा, देखो। हाँ दिखाई दिया, एक मिनट। उसके पास आईफोन है। आईफोन यूजर सभी उनके बैकअप के लिए लैपटॉप या फिर आईपैड में वो आईक्लाउड में लिंक करते हैं, वहाँ पर है क्या? देखो। हाँ यहाँ पे लैपटॉप है। हाँ, ओपन करो एक बार। पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड। बगल में क्या रखा है? डॉल्स, पेंस, माता पिता के साथ वाले फोटो। लेकिन माँ के साथ फोटो ज्यादा है। माँ के साथ ज्यादा फोटो है। प्रभावती की बेटी सौम्या का अपहरण हो चुका है। उनकी माँ का नाम प्रभावती है। प्रभावती टाइप करो। या रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। फाइव डबल जीरो फोर ट्राई करो। Are you sure? मुझे क्या पता, उसके कार का नंबर है 5004। ये भी रॉन्ग पासवर्ड है। आपकी बेटी की पर्सनल चीजें चेक करनी है। शांति। हाँ साहब। इन्हें सोमिया के कमरे में ले जाओ। थैंक यू सर। चलिए साहब। ये भी रॉन्ग पासवर्ड है। एक मिनट लाइन में रहो। इंस्टाग्राम जस्टिन ट्राई करो। जस्टिन JUSTIN जस्टिन ट्राई करो। हाँ ओपन हो गया। यस। अब सारी इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी से फॉरवर्ड करो। हाँ। उस तरफ है साहब। के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम, इन्वेस्टिगेशन चालू है। ओके। उनकी चीजें थोड़ी चेक करनी है। या थैंक यू मैडम।
आपका कंट्रोल रूम कहाँ है? उधर सर। वो फर्स्ट कैमरा ओपन करो। हाँ ओके सर। सेकंड खोलो। पार्किंग का कैमरा ओपन करो। हाँ करता हूँ सर। लड़की यहीं से बाहर गई है पर हमें ठीक से देखना। सीसीटीवी फुटेज एक बार चेक करनी। आप कौन हो? मैं मीडिया, उनके साथ आया हूँ। ऐसे? हाँ चलिए मेरे साथ। ठीक है, जरा ये कैमरा ओपन करना। ओके सर, ये देखो। जरा ये कैमरा ओपन करना। हाँ जरूर। रुको, जूम करना। ये लड़का कौन है? ये यही सिग्नल के पास फूल बेचता है। थैंक यू। ये लड़की को देखा है? हाँ देखा भैया, इसे मैंने स्प्रे भी बेचा। तुम स्प्रे भी बेचते हो? नहीं भैया, उस दिन उस चाचा जी ने कहा था इसलिए बेचा। अरे बेटा जरा यहाँ आना। क्या हुआ चाचा? मेरा सिर घूम रहा है, यह स्प्रे बेच सकते हो क्या? तुझे मैं 50 रुपए देता हूँ। ठीक है दो। ठीक से देख, ये चाचा जी वही है? हाँ यही है भैया। ठीक से याद करके बोल, यही है क्या? यही है भैया, मुझे ठीक से याद है। वो जाल फेंकने वाला और इस बुड्ढे का क्या संबंध है? ये मिला तो समझो बुड्ढा मिल गया। चाचा जी क्या हुआ? बेटा उसी दिन बताया था ना मैंने, और 12 लोग आने वाले थे। सभी लोग तो आ गए लेकिन रवि, चंदू, डेविड, आर्या आए ही नहीं। हफ्ता भर बीत गया और उनके आने की उम्मीद भी नहीं लग रही, इसीलिए सभी औरतें रो रही हैं। आज की दिल दहला देने वाली खबर, सौम्या नाम की लड़की का अपहरण हुआ था और आज उसकी लाश मिली है। अपराधी ने लाश को पुलिस स्टेशन के आगे ही फेंक कर शहर को हिला के रख दिया है। माता पिता रघुपति राजू प्रभावती का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये केस बड़ा सवाल बन गया है। ये अपहरण एक बड़ी सोची समझी साजिश है। कह रहा था ना, पर तुम सुनोगे कहाँ? पुलिस स्टेशन के सामने ही लाश को फेंकना, ये कोई छोटी बात है क्या? बाहर मामला कितना गर्म है देखो। हाँ बहुत गर्म है, इसलिए ठंडा होने से पहले जल्दी पी ले। प्रमुख व्यापारी व्योमकेश रघुपति राजू प्रभावती की बेटी सौम्या का अपहरण हो चुका है। पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे झगड़े के कारण हुआ होगा। ए, तुझे ड्रग्स की आदत है क्या? आर यू अ ड्रग एडिक्ट? ए, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। ए, ड्रग्स लिया था क्या तूने? हेलो, उठ। ए, ए, क्या कर रहा है? शी इज अ ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट्स को नॉर्मल डोज देते तो काफी नहीं है, इसलिए वो होश में आ गई। इसने मुझे देख लिया, अगर मैं बाहर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। I need to kill her. I need to kill her. इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, जिंदा नहीं छोड़ सकता। ए, तू पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? रुको। इसे मेरे बारे में पता चल गया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मार डालेगा क्या? तो इसे छोड़ दो क्या? इसे छोड़ने का मतलब एड्रेस डोर नंबर के साथ दे दिया समझो। इस लड़की को अगर मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ दूंगा तो यही बाहर जाने के बाद और बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तू जल्दबाजी मत कर, सोचते हैं। अपहरण करना गलत नहीं है, सबूत छोड़ना गलत है, इसीलिए इसे छोड़ूंगा नहीं। ए! तुझे समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा? मैं जो कह रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे ऑलरेडी कहा, राक्षस और भगवान को जिन आंखों ने देखा उसे और कुछ देखने का हक नहीं। नहीं, पकड़ा जाएगा। पकड़ा नहीं जाऊंगा, कहा ना। ए, कौन है तुम? बात कर रहा हूँ समझा? शट अप। शट अप।
तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने दिनों से लड़कियों को लाकर तेरी जरूरत पूरी होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देते थे। जिंदा रहती थी इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अगर ये लड़की नहीं मिली तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी। अब इस लाश का क्या करोगे? सिटी के कमिश्नर इस समय इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। दादा क्या है बेटा? इस लाश को ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक। पुलिस स्टेशन के आगे? अब वो घर को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। Yes. मैं आपका फोन बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। ओह सॉरी, मैंने फोन नहीं देखा। आपको न्यूज़ पता ही होगा, बॉम्ब देवा रघुपति राजू की बेटी को मारकर पुलिस स्टेशन के आगे फेंक दिया गया। उसकी बॉडी को आपको ही ऑटोप्सी करना होगा। ओह ओके, आप चलिए मैं आता हूँ। ओके थैंक यू। डॉक्टर मनोज कुमार, एमएस, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ। मरने वाले को बचाने के लिए इस शहर में 100 हॉस्पिटल है, पर मरने के बाद भले वो सीएम हो या सीएम का बेटा हो, उसके लाश को मेरे पास ही लाया जाता है। Now, do you understand? मेरे पूरे करियर में एक बॉडी का ऑटोप्सी करते वक्त फर्स्ट टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे। एक बड़े रॉड से सर पर मार मार के उसका सर बुरी तरह फोड़ दिया। डेफिनेटली ही इज नॉट अ ह्यूमन। मार के लाश को पुलिस स्टेशन के सामने ही फेंक दिया। मतलब Look at his bloody confidence. उसे किसी ने पकड़ा नहीं, इसीलिए खुला चैलेंज कर रहा है। I request all the police to find him immediately. Police department को 100% मेरा सपोर्ट रहेगा। फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ हो जाता है तो मेरे पास ही आना। My deepest condolence to her parents. I am so sorry. तुम्हें मुबारक हो, यू आर ऑफिशियली इनसेन नाउ। उस लड़की को किसी भी तरह न्याय मिलना चाहिए। ये गुम हुई लड़कियां साधना, कृति, सौम्या, इनमें से हमारी प्रिया भी थी। ऐसे कितनी सारी लड़कियां हमेशा गुम हो रही हैं। असल में बात यह है कि इनमें से किसी एक का भी प्रोफेशनली या फिर पर्सनल कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वो लड़की को सिलेक्ट करने के लिए भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। बॉम्बे कॉलोनी में गुम होने वाली कीर्ति, उसे कहीं गजबा का हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सीता मदारा में गुम होने वाली साधना को पास के ईसा का थोटा में भर्ती करवाया। मिंडी में गुम हो जाने वाली लड़की संजना को दोबारा से मिंडी में भर्ती करवाया कृष्णामूर्ति हॉस्पिटल में। ये सब एडमिट हुई थी एक ही रीजन से, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल्स डाउन होकर विद इन नो टाइम बॉडी डिहाइड्रेट होकर चक्कर आकर गिर जाना। एक या दो लड़कियां इस प्रॉब्लम से एडमिट होती तो मैं इतना ध्यान नहीं देता, पर एडमिट हुई हर लड़की इसी रीजन से एडमिट हुई है। और तब मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान गया। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर दिस। हाइपोग्लाइसीमिया को अननेचुरली भी अटैक कह सकते हैं। I'll explain you. 1960 में रॉबर्ट डिसोजा साइंटिस्ट ने हाइपोमिसिन की खोज की। उसकी खोज करने का मेन रीजन था एक इंसान का वेट कम होने के लिए, यह ड्रग्स लेने के बाद इंसान की बॉडी डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। तभी वो बॉडी के साथ एक घंटे वर्कआउट करेगा तो ये तुम्हें 5 घंटे का रिजल्ट देता है। वर्ल्ड मेडिकल हिस्ट्री में
ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, ऐसा सर्टिफाइड किया गया। और एक लेडी एथलीट ने उसका फिटनेस रीगेन करने के लिए हाइपोमेसिन के शॉट को विदाउट प्रोफेशनल सर्विलेंस ले लिया, पर ओवरडोज होने के कारण हैवी डिहाइड्रेट होकर वो मर गई। तभी यूके गवर्नमेंट और वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल ने इस ड्रग को प्रोफेशनल सर्विलेंस के बिना लेना इलीगल कहकर बंद कर दिया। जहां जाओ वहां रास्ता बंद पड़ा था। एक दूसरे से संबंध ना रखने वाले इंसान, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, शकुनी के जैसा एक बुढ़ा, ये सब केवल एक नाटक के पात्र हैं। इन सबको एक ही स्टेज में खिलाने वाला निर्देशक कौन है? टोटली कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या, साक्षात अर्जुन के आने के बाद भी उसे समझ में ना आया ऐसा चक्रव्यूह सेट किया है। पर उसे ना समझने वाला विषय यह है कि उसे ढूंढने वाला कोई अर्जुन नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र को अपने हाथ से घुमाने वाला अश्वत्थामा है। असल में हमें सारे मिलने वाले लोग सच कह रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? मैंने उनकी बात सुनकर भरोसा नहीं किया है नेहा। आंखें, उनकी आंखें झूठ नहीं कह सकती। हमारे प्रदेश की राजधानी वाले इस शहर में फिर से एक हादसा हुआ है। शहर के बीचों बीच होने वाले वाइजेक सेंटर मॉल में कुछ लोगों ने संध्या नाम की लड़की का अपहरण कर लिया था। और खबर ये है कि सर, कौन है आप? मुझे आपका सीसीटीवी फुटेज देखना है। सॉरी सर, इट्स कॉन्फिडेंशियल, आपको नहीं दिखा सकते। 10,000 सर, 11 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती है, आप 10 मिनट पहले आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। हेलो। हेलो नेहा। हाँ? फोटो आ गया क्या? आ गया। ओके, अर्जेंटली मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा क्यों? मैं जैसा कह रहा हूँ वो करो। सेकंड फ्लोर ओपन करो। रुको रुको, इस लड़की को फॉलो करो। ठीक है सर। नेक्स्ट। रुको रुको, पॉज करो, जूम करो, उस बुड्ढे को फॉलो करो। उस बुड्ढे को फॉलो करो। सर वहां पर कोई कैमरा नहीं है। कैसे बैक। ओके सर, बैक करो, और बैक, और ओके ओके सर, रुक जाओ, उसे फॉलो करो। फर्स्ट फ्लोर। यहां पर कैमरा नहीं है सर। कार पार्किंग? पार्किंग में। पॉज करो। शिवा शक्ति ट्रेवल्स। शिवा शक्ति ट्रेवल्स, पीछे वाला बिल्डिंग। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर मनोज कुमार है ना? यस yes. आपने सौम्या का पोस्टमार्टम किया था ना? या उस केस के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप पुलिस में है क्या? नहीं सर, पर मुझे हाइपोमिसिन नाम के ड्रग्स के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, लेट मी मेक अ कॉफी फॉर यू। कम इनसाइड। सर, I'll get the coffee. सर, हमारे शहर में जो किडनैप हो रहे हैं और हाइपोमिसिन नाम के ड्रग्स का कोई संबंध है ऐसा मुझे लग रहा है सर। उस दिन आपने सोमे की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, इस ड्रग्स से संबंधित कोई ट्रेसेस मिले थे आपको? कॉफी पीते हुए बात करते हैं। सर, कौन है वो? पागल है, मरने के लिए खुद ही आया है। पहले से कह रहा था ना, आप क्या करोगे? एक्सक्यूज मी सर, ये मेरे दादाजी हैं, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए हैं, घर वाले बहुत टेंशन में हैं।
सुनो। बोलो नेहा। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। ओके गुड। नेक्स्ट प्लान क्या है? मैं बताऊंगा। नेहा सुनो, कोई पुलिस स्टेशन के सामने बॉडी फेंक कर चला गया है। उन्हें देखा क्या? नहीं। तुम अर्जेंटली उन्हें फॉलो करो। फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। कॉफी? मतलब हेलो बेटा, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। तुम टेंशन मत लो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ ठीक है बेटा। कहाँ हो? एबीपी रोड से उषा जंक्शन की तरफ जा रहा हूँ बेटा। उधर से लेफ्ट ले लो। ठीक है बेटा। सुनो, उन्होंने उषा जंक्शन से लेफ्ट ले लिया है। ठीक है नेहा। आप कहाँ पहुँचे? कामत रोड पर हूँ बेटा। रामनगर जंक्शन की तरफ जाना। सुनो, बोलो नेहा। रामनगर जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी अभी पोर्ट पे एंटर किया है। पोर्ट? नेहा, उसे कोई गाइड कर रहा है। तुम अर्जेंटली वहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? कोई ट्रैप कर रहा है। क्या? मैं नहीं चाहता तुम इसमें फंसो। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो नेहा। पोर्ट की तरफ आ। उस ट्रक को फॉलो करके इधर आ। हो गया बेटा। अभी राइट लेना। ले लिया बेटा। स्ट्रेट आ जा। स्ट्रेट आ जा। आ रहा हूँ बेटा। फास्ट फास्ट। आ रहा हूँ बेटा। स्टॉप। हाँ ठीक है बेटा। बेटा वो मेरे सामने से आ रहा है बेटा। वो सामने आ गया। सामने आ गया बेटा। बेटा 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 मुझे बचा लो बेटा। मुझे बचा लो बेटा। बेटा वो मेरे पास आ गया। मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कोई आया है? ये कार नंबर किसका है पता है? ये तो डॉक्टर मनोज कुमार का कार है सर।
वेलकम डॉक्टर मनोज कुमार, सफेद कोट में बहुत अच्छा खेल खेलते हो। आखिर पकड़े गए पापा। कह रहा था ना, मेरी बात माना क्या? पापा, पापा, मेरी बात माना क्या? बस दोबारा नहीं करूंगा माना, पापा सॉरी, पापा नहीं, नहीं दोबारा नहीं करूंगा सॉरी पापा, पापा बस पापा, पापा नहीं माना ना मेरी बात। बेटा 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 मारो मत बेटा, बिना मां का लड़का बेटा, मत मारो इसे, मत मारो इसे, पापा छोड़ो ना, छोड़ दो बेटा, माफ करो ना पापा, मत मारो बेटा, मत मारो बेटा, मत मारो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ो मेरी बात, मत मारो बेटा, बेटा 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो छोटा बच्चा है बेटा, अनजाने में किया होगा, उसे माफ कर दो बेटा। आपको जो नुकसान हुआ वो पैसे से नहीं चुका सकते बहन, अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, प्लीज दया करके बाहर किसी को मत बताना, मना मत कीजिएगा प्लीज। मारा इसीलिए दुख हो रहा है? नहीं दर्द हो रहा है। एक बात याद रखो, अनजाने में किया तो गलती है, और सब जानते हुए भी करना निर्भयता होता है। कितना भी महान इंसान हो, जो गलती की है वो किसी को पता नहीं चलता, पकड़ा नहीं जाता, तब तक ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। The bodies get heavier after death. 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 गलतियां करो लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए गलती पता होने वाले इन दोनों को आपके साथ मार दिया, जैसे आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया पापा। हाँ? दादा दादा अनजाने में क्या दादा, प्लीज दादा किसी को मत बताना दादा, तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा दादा, मैं अनाथ हो जाऊंगा दादा, प्लीज किसी को बताइए मत, प्लीज दादा प्लीज, मैं आपका बेटा हूं ना, प्यारा बेटा हूं ना, आप मेरा ध्यान रखेंगे ना दादा, प्लीज दादा प्लीज। तूने उन लोगों को क्यों मार डाला बेटे? दादा वो लड़की के साथ जब मैं ऐसा कर रहा था तो उसने मुझे देखा, इसलिए उसने अपनी माँ को जाके बताया, उसने अगर देखा ही नहीं होता तो कुछ गड़बड़ नहीं होती ना दादा, सभी लोग आप जैसे देख के भी अनजान नहीं बनते ना दादा। पापा, क्या कर रहा है मैं पागल कहीं के? नहीं
सब तुम किसके लिए कर रहे हो? मुझे पता नहीं, पर लड़कियों को उठा कर लेकर आना, उन्हें हैरास करना, ये सब हमारे पुराणों में है। ये सब पौराणिक कथाओं में है, चलता आ रहा है। ये गलत है तो कैसे? और पुराण में यह भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवाड़ किया तो भले ही 10 सर वाला हो या 99 भाई वाला हो, सजा तो जरूर मिलती है, और यही होता आ रहा है। पापा। बेटा किधर हो? बाहर हूँ पापा, बोलिए ना। जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ पापा? तेरी बहन को किसी का फोन आया था, घर आकर तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहा है। जल्दी से घर आ जाओ। बेटा कौन है वो पापा? पापा किसने आपको फोन किया? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? प्रिया क्या हुआ? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई और नहीं, तुम्हारा भांजा। क्या कहा? जैसी माँ भी होती है, बहुत सारी कठिनाइयों को सहती है, बहुत सारा भार उठा लेती है, और दुनिया में मर्द बस उस पर अपना हक जताते हैं। कभी उसकी तरह सहकर तो दिखाओ, मर्दों की सारी मर्दानगी बाहर निकल जाएगी, वो अपना अस्तित्व भूल जाएंगे। भूमि को बचाने के लिए हर घर में एक पेड़ उगाने के लिए कहा गया है, पर माँ के समान लड़कियों को बचाने के लिए कौन सा पेड़ उगाना होगा?